बैटरी नहीं है सर्विस में बैटरी हेलो हेलो है नहीं बैटरी हेलो हेलो रही बेटा आवाज़ आप सभी को गुड मॉर्निंग डियर नमस्कार वेरी गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हाँ ठीक है बेटा वॉइस की प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हो गई है आप सभी को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग वेलकम आप सभी का स्वागत है हमारे क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वो शो अब ध्यान से देखिए रिलेट करिएगा हाँ बेटा ठीक है आवाज़ आ रही है बिल्कुल सही है जुड़ जाइए फटाफट हमारे साथ और सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आज के कार्तिक पूर्णिमा की गंगा स्नान की तो अब आज का सेशन हम लोग जो आज से आज का दिन ना इतना अच्छा है कि आज के दिन से अगर हम लोग ये चीजें शुरुआत कर रहे हैं तो इससे अच्छी शुरुआत तो हमारे लिए हो नहीं सकती अब देखिए वो कैबलरी एक ऐसा सेगमेंट होता है इंग्लिश पोर्शन का हाँ ठीक है बेटा ठीक है स्टार्ट हो रहा है बेटा बिल्कुल जुड़ जाइए फटाफट वो एक ऐसा सेगमेंट होता है इंग्लिश का जो बच्चों की हमेशा से प्रॉब्लम रही है कितनी भी पढ़ लें सर याद नहीं रह पाती रिलेट नहीं हो पाती हैं याद तो कर लेते हैं भूल जाते हैं ये सारी की सारी समस्याएं आती रहती हैं और द हिंदू जैसे पेपर से वोकेबलरी जब सीखने की बात होती है ना तो वो इंटरेस्ट बच्चों के अंदर आ पाता है ना हम उसको ज्यादा दिन कंटिन्यू कर पाते हैं तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हम लोग आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे देखिए सबसे पहले तो वोकेबलरी की अगर बात करनी है तो याद रखना वोकेबलरी को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोकेबलरी को याद रखना गुड मॉर्निंग बेटा सभी को गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग आ जाइए फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ और देखिए वो कैबलरी हम लोग जो यहाँ पर सीखेंगे उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा इंटरेस्टिंग करेंगे उसको रिलेट करके सीखेंगे ऐसी वो कैबलरी सीखेंगे कि लंबे समय तक उसको याद रख पाए अच्छा वोकेबलरी याद रह क्यों नहीं पाती उसका सिंपल सा सॉल्यूशन जो होता है वो यही कि हमारी प्रैक्टिस में नहीं है यूज़ नहीं कर पाते हम लोग उन वो को तो अच्छी बात यही है कि यहाँ पर हम लोग चीज़ों को रिवाइज भी करते चलेंगे हाँ बिल्कुल होता है बेटा सबके साथ होता है ये सारी चीज़ें होती हैं तो देखिए अब ओवरऑल इंग्लिश की बात अगर करनी है रीडिंग कैसे करनी है वोकेबलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है ग्रामर कैसे मेहनत करनी है उसके ऊपर कैसे वर्क हम लोग कर सकते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली वो के थ्रू हम लोग यहाँ पर मिलते रहेंगे रेगुलरली मिलेंगे सुबह सात बजे से रोज आपके साथ मुलाकात होगी उसके अलावा अगर आप फाउंडेशन बैच इंग्लिश का ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें एक साथ सारे के सारे एस एस सी के एग्ज़ाम्स को हम लोग कवर अप कर रहे हैं चाहे सी जी एल हो सी एच एस एल हो एम टी एस है जी डी की वैकेंसीज आ गई हैं ठीक है ना हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शनल है उसमें बट आई एम श्योर इंग्लिश का पोर्शन अगर आप अटेम्प्ट करोगे बहुत आसान है बिल्कुल प्रैक्टिस भी करते हैं बिल्कुल फिर भी प्रॉब्लम आती है तो ये सारी के सारी स्टेनो में जेई में फ्रेज कोई भी एस का एग्जाम हो सारे के सारे एग्जाम्स को हम लोग एक साथ टैकल करेंगे ठीक है ना तो फाउंडेशन बैच हमारा ये स्टार्ट हो चुका है इसी सेम चैनल पे क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के एप्लीकेशन पे अगर आप जाएंगे वहां से जो भी क्वेरीज हैं वो आप अपनी सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं इंग्लिश रिलेटेड जो भी समस्याएं आपकी हैं डिस्कस कर लीजिए और अभी ऑफर प्राइस चल रहा है बहुत सस्ते में अवेलेबल हैं चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी अगर आप चीजों को साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे ठीक है ना तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा स्टार्ट करते हैं और फटाफट एक बार हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बिल्कुल होता है वो वोकैबुलरी के साथ सभी की सारी समस्याएं होती हैं बेटा है, वोकैबुलरी अगर हम लोग भी रिवाइज करना बंद कर देना तो हम लोग भी भूल जाएंगे ये होता है ह्यूमन टेंडेंसी है नेचुरल है वो वोकैबुलरी के साथ ऐसा होता रहता है ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन ये पहला सेशन है एक बहुत सिंपल से टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और द हिंदू पेपर की ही बात करेंगे क्योंकि यहां से जो आपको वोकैबलरी का स्टैंडर्ड मिलता है ना वो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होता है उनको अगर आप तैयार कर लेते हो ना तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो आती हैं वोकेब्लरी से रिलेटेड वो अपने आप सॉल्व हो जाती है अच्छा वोकेबलरी का एनालिसिस करना है चीजों को याद रखना है रिलेट करना है किसी भी तरीके से उसको इंटरेस्टिंग बनाना है चलिए देखिए सबसे पहले तो जो टॉपिक था हमारा आप सभी ने सुना भी होगा न्यूज में ये चल रहा है देखिए क्या हो रहा है रेस्क्यू बचाव की बात करते हैं डेंजरस मे टेक अ लॉन्ग टाइम एन डी एम ए ये न्यूज आपने सुनी होगी कि लेबर्स हैं कुछ सुरंग टनल में काम कर रहे थे उत्तराखंड में और वो फंस गए क्योंकि कोलेप्स हो गई थी वहां पे टनल उसकी वजह से अब उनको बचाने के लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उनको बचाने के लिए जो किए जा रहे हैं एफर्ट्स उन सभी के ऊपर ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल हमारे सामने आया था ठीक है ना गुड मॉर्निंग बेटा वेरी गुड मॉर्निंग और देखो साथ, -साथ में डिस्कस करना अभी ऑफकोर्स मैंने यहाँ पर आपके लिए केवल ये पिक्चर कलेक्ट की है इसको वन वन बाय ये 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 मेन हेडिंग हेडिंग हमारी हमारी सब और डिटेल न्यूज इन मैंने आपके लिए अलग अलग पेजेस पे तैयार किया हुआ है ठीक है ना आई एम श्योर ये न्यूज आपने सुनी भी होगी इसके बारे में चीजें आपको अपडेशन लगातार न्यूज में मिल भी रहा होगा तो इसके ऊपर बात करते हैं देखिए सबसे पहले हेडलाइन जो आपको दी हुई थी क्या दी हुई है डेफिनेटली अभी डिस्कस किया हमने रेस्क्यू डेंजरस मे टेक अ लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम ज्यादा समय ले सकता है क्योंकि जो उनको बचाने का काम था वो थोड़ा सा खतरे में आ गया है ठीक है ना अब मे और माइट ये ग्रामर का पार्ट आपने पढ़ा होगा पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ठीक है ना कि चांसेस हैं कि अब थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा बचा तो लिया जाएगा डेफिनेटली अच्छा एक टर्म यहां पर आ रहा है एनडीएमए फटाफट फड़ क्विकली रिप्लाई करिए और बताइए क्या होता है फुल फॉर्म एन का बताइए फटाफट What इज the फुल फॉर्म ऑफ एनडीएमए एनडीएमए का फुल फॉर्म बताएं फटाफट रिप्लाई करिएगा क्या होना चाहिए इसका फुल फॉर्म साथ में डिस्कशन करते रहिए जितना अच्छा डिस्कशन करेंगे ना उतने अच्छे से चीजें रिलेट हो पाएंगी आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बहुत बढ़िया बेटा वेरी गुड एन डी एम ए इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये है हमारा एनडीए अब ये स्टेटमेंट एन डी एम ए की तरफ से आया है ठीक है ना मतलब ऑफिशियली बताया गया ये देखिए ये इसका लोगो होता है एन डी एम ए का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया क्लियर हाँ बहुत बढ़िया बेटा शानदार अब देखिए इसकी जो सब हेडिंग आई थी वो समझिएगा विद मशीन स्टक अब ये जो स्टक वर्ड है इसका मतलब होता है फंस जाना या काम करते करते रुक जाना Clear? तो एक ऑगर मशीन थी जिससे खुदाई का काम चल रहा था रास्ता बनाया जा रहा था लेबर्स को बाहर निकालने के लिए कोशिशें हो रही थी वो काम करते करते अचानक से रुक गई या फंस गई फिर ड्रिलिंग हैज नॉट प्रोसीडेड इन 48 एट आवर्स अड़तालीस घंटे से पहले जो हॉरिजोंटल ड्रिलिंग है देखिए टनल इसमें जब इधर सिर्फ सुखुदाई की जा रही थी ठीक है ना तो ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चल रही थी ड्रिलिंग का मतलब ऑफ कोर्स में छेद बनाना या खोदना अब बात हो रही है कि वर्टिकली उसको खोद कर उनके पास तक पहुंचा जाए लेबर्स तक तो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिंग या चल रही थी अभी ड्रिलिंग जो चल रही थी वो अभी 48 घंटे से पहले पॉसिबल नहीं है उसको फिर से कॉन्टिन्यू कर पाना 48 घंटे मतलब दो दिन लगेंगे कम से कम ऑगर मशीन के फंस जाने की वजह से ठीक है ना रिलेट करिए हाँ 48 घंटे से पहले वो पॉसिबल नहीं है तो मैनुअल ड्रिलिंग अब देखिए यहां पर एक वर्ड आया अच्छा सबसे जरूरी चीज़ जब कभी भी आप वोकेबलरी सीखें देखिए दो तीन टिप्स तो जरूर आपके लिए डिस्कस करूंगा सबसे पहली चीज कि वोकेबलरी जब भी सीखें डायरेक्ट वर्ड सीखने से अच्छा है उन वर्ड्स को सेंटेंसेस के साथ में सीखिए सेंटेंस मतलब सेंटेंस में यूज होते हुए वर्ड्स को अगर आप सीखेंगे ना इंडिपेंडेंटली वर्ड अगर लेखे बैठेंगे तो आपसे चीजें रिलेट नहीं हो पाएंगी आपको खुद से अपने सेंटेंसेस बनाकर उनको रिलेट करना पड़ेगा लेकिन अगर आप ऑलरेडी सेंटेंसेस के थ्रू वो कैबलरी को सीखते हैं तो कई बार उस सेंटेंस के थ्रू वर्ड को गैस करना आसान हो जाता है गुड मॉर्निंग बेटा वेरी गुड मॉर्निंग और गैस करिए वट इज द मीनिंग ऑफ एम यू डबल एल ई डी अब ईडी है यहां पर सेकेंड फॉर्म यूज हुई है बताइए गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग बेटा वेरी गुड मॉर्निंग नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार आ जाइए बेटा फटाफट जुड़ जाइए और सिंपल करना है देखिए चीजों की ट्रांसलेशन के ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों को समझ लेना ठीक है ना कभी ये कहीं नहीं लिखा होता कि द हिंदू जैसा पेपर पढ़ने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर कर के आओ तब इस हिंदू पेपर को पढ़ो ऐसा नहीं है कुछ चीज़ें हैं अच्छा आप खुद सोचो कोई भी कोई पर्सन आपको अगर द हिंदू पेपर पढ़ता हुआ मिल जाए तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि उस पेपर में जितनी भी वो कैब आई हो वो सब उस पर्सन को आती हो पहले से नहीं आना जरूरी नहीं है उसको डील करना जरूरी है कि अगर आपके सामने अननोन वोकेबलरी आ जाए जैसे एग्जाम में भी आती है तो आप उनको टैकल कैसे करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ना बताइए वट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड म्यूल्ड फॉर लास्ट टेन मीटर्स मैनुअल ड्रिलिंग म्यूल्ड फॉर लास्ट टेन मीटर्स दस मीटर के लिए आगे जो 10 मीटर का खुदाई का काम बचा हुआ है उसके लिए मैनुअल ड्रिलिंग को मल किया जा रहा है गैस करिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फटाफट बताइए क्या लग रहा है आपको सही गलत कोई इश्यूज नहीं है देखिए गैस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही गैस करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गलत गैस करेंगे नॉलेज बढ़ेगी कुछ ना कुछ बढ़ना ही है बताइए जो भी आपको इसका मीनिंग लगता हो गुड मॉर्निंग बेटा वेरी गुड मॉर्निंग सृष्टि अभिषेक सभी को बेटा सभी को वेरी गुड मॉर्निंग नमस्कार मिलाना ओके मैनुअल ड्रिलिंग मिलाया जा रहा है फॉर लास्ट टेन मीटर्स दस मीटर के लिए या जोड़ना ओके okay. मैनुअल ड्रिलिंग को रोक दिया गया है आखिरी दस मीटर के लिए क्या ऐसा सेंस आ रहा है स्टॉप नहीं होता बेटा मल ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में विचार करना कंसीडर करना ठीक है ना कंसीडर करना थिंक पॉन्डर देखिए एक बहुत अच्छा वर्ड है और पॉन्डर जब वर्ड को यूज करना ना तो किसी चीज के ऊपर विचार करना उसके साथ एक प्रपोजिशन भी फिक्स होता है ponder के साथ ओवर आता है ponder ओवर राम राम बेटा राम राम ponder ओवर कंसिडर थिंक या फिर मिल्ट मतलब मैनुअल ड्रिलिंग के ऊपर विचार किया जा रहा है कि आखिरी जो 10 मीटर बचे हैं उनको कैसे खोदकर मजदूरों को बाहर निकाला जाए उसके लिए विचार किया जा रहा है मैनुअल ड्रिलिंग पे मतलब मशीन के थ्रू नहीं अब खोद खोद के उसको बाहर निकाला जाएगा मलबे को फॉर 10 मीटर के लिए जो बचा है प्लाज्मा कटर बींग ब्रॉट बींग ब्रॉट बी और थर्ड फॉर्म ये पैसिव का स्ट्रक्चर है ब्रॉड का मतलब होता है देखिए ब्रिंग की फॉर्म है ब्रॉड तो लाने की बात कर रहे हैं और आईएनजी मतलब बुलाया जा रहा है उसको लाया जा रहा है कहां से हैदराबाद से टू कट आउट स्टक ऑगर जो ऑगर मशीन स्टक मतलब अभी डिस्कस किया था कि जो फंस गई है उसको कट आउट करके मतलब काट कर बाहर निकालने के लिए किसी चीज को काट कर बाहर निकालना अब देखिए कट आउट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी चीज को काट कर उसमें से कुछ निकालना ब्रिंग के साथ इन लाने की बात कर रहे हैं ब्रिंग का मतलब ही लाना होता है ब्रिंग इन मतलब बुलाया गया है हेल्प के लिए ठीक है ना तो ये सब फ्रेजेस हैं ये वोकेबलरी हैं जो आपको यूज करनी है अब अगर इस मल वर्ड को आप याद रख पा रहे हो कि मैनुअल ड्रिलिंग के ऊपर विचार किया जा रहा है उस सेंस से आप रिलेट करके इसको सीख सकते हैं ठीक है ना चलिए इसमें कोई कंफ्यूजन अगर हो तो फटाफट फड़ डिस्कस कर लीजिए कि अब क्या हो रहा है देखिए ऑगर मशीन फंस गई है तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो है वो जो, जो ड्रिलिंग चल रही थी वो 48 घंटे के लिए रुक गई है तो अब मैनुअल ड्रिलिंग के ऊपर विचार किया जा रहा है कि बचे हुए 10 मीटर को मैनुअल ड्रिलिंग से खोद कर बाहर किया जाए और उसके लिए प्लाज्मा कटर मंगवाया जा रहा है जो रॉड्स सरिया वगैरह फंस गई बीच में रास्ते में आ रही हैं उनको काटने के लिए जो कि हैदराबाद से आ रही है ठीक है ना ये मीनिंग निकला इसकी सब हेडिंग का अब बात कर लेते हैं वन बाय वन जो वर्ड आए हमारे सामने देखिए ब्रॉट इन ये एक फ्रेज है या इसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं अब ये फटाफट अपने पास नोट कर लीजिए आप फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो वर्ब के साथ कुछ प्रपोजिशन फिक्स करके उसका मीनिंग चेंज किया जाता है तो मल ये वर्ड का मतलब होता है विचार करना अच्छा ये चीजें जो मैं आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना प्रमोद बेटा नाम लेने में कोई बुराई नहीं है बट नाम बनाइए अभी आप आंसर करिए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी आपके आने से भी डेफिनेटली खुशी है आप आए जुड़े हमारे साथ मेहनत करने के लिए जुड़े हुए हैं बट आंसर करेंगे उसमें जब आपका नाम लिया जाएगा ना तो मेरे साथ आपको भी ज्यादा खुशी होगी बिल्कुल बेटा वर्ल्ड का मतलब विचार करना अच्छा ये जो चीजें मैं यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के एप्लीकेशन से उसको आसानी से ले सकते हैं ठीक है ना करीज के लिए डेफिनेटली जाइएगा वहाँ पर नंबर भी आपको मिल जाएंगे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा हमारे चैनल का तो वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं ठीक है ना और ओवरऑल इंग्लिश के लिए ग्रामर का पार्ट हो रीडिंग का पार्ट हो प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट हो वोकेबलरी का सेक्शन हो हर चीज़ पर मेहनत करने के लिए तैयार हैं आपके साथ हम ठीक है ना वोकेबलरी शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर ग्रामर ये सब सेगमेंट आपको हमारे चैनल पर ऑलवेज मिल जाएंगे चलिए विचार करना कंसिडर यह इसका मीनिंग आप ले सकते हो या एक वर्ड अभी जो और दिया था पॉन्डर थिंक करना यह इसका मीनिंग आ सकता है ब्रिंग इन मतलब ही होता है लाना और कट आउट का मतलब होता है निकालकर बाहर करना ठीक है ना किसी चीज में से काट कर कोई चीज बाहर निकालना गुड मॉर्निंग बेटा वेरी गुड मॉर्निंग ठीक है ना ये जितने जो वर्ड्स हमें मिले या फ्रेजेस मिले वो अभी सब हेडिंग्स में मिल गए अब ये डिटेल में जो हमें न्यूज़ दी गई थी इसका एनालिसिस कर लेते हैं सेंटेंसेस बहुत सिंपल से हैं और सिंपल ही रखेंगे ठीक है ना बस साथ, साथ में डिस्कशन करते चलना देखिए मल्टीपल हर्डल्स अब आपको बताना है हर्डल्स का मतलब क्या है मल्टीपल का मतलब तो हो गया बहुत सारे ठीक है ना और बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं तो प्लूरल वाला वर्ड यूज होता है बताइए हर्डल्स का मतलब गुड मॉर्निंग बेटा वेलकम बेटा वेलकम वेरी वेरी वेलकम वार्म वेलकम बेटा आपके लिए सुप्रिया so, जी वेलकम बेटा सीख जाएंगे तब मानूंगा कि आप मैंने कुछ अच्छी चीजें पढ़ाई आपने कुछ अच्छे से सीखी चीजें ठीक है ना तो आंसर करिए फटाफट बताइए क्या मतलब लग रहा है हर्डल्स का बैरियर बहुत बढ़िया रुकावटें बैरियर्स रोड़े ऑब्स्टेकल ये वर्ड अगर आपने सुना ना ऑब्स्टेकल का मतलब भी होता है रुकावटें बैरियर बिल्कुल सही है ऑप्शन ऑब्स्टेकल वर्ड याद रखिएगा ठीक है ना एस एस सी में पूछे जाने वाले वर्ड्स में से हैं ये यूज होने वाले हैं बाधा बहुत बढ़िया हर्डल्स ठीक है तो मल्टीपल हर्डल्स आर नाउ डिलेइंग डिले कर रहे हैं मतलब देरी कर रहे हैं बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं जिनकी वजह से रेस्क्यू जो 41 वन लेबर्स हमारे फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने में मुसीबतें आ रही हैं या डिले हो रहा है ठीक है ना हां बहुत बढ़िया बेटा हु हैव बिन ट्रैप्ड अब देखिए ट्रैप का मतलब क्या होता है ये गेस करिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बहुत बढ़िया बेटा जी ट्रैप्ड ट्रैप हो जाना इनसाइड दिल्ली टनल जो टनल में ट्रैप हो गए हैं करिए ट्रैप होने का मतलब क्या है इन उत्तर काशी ऑफ उत्तराखंड उत्तराखंड में उत्तर काशी जो जगह है वहां पर यह सुरंग है अब देखिए जीएस के पोर्शन यहां से कवर अप हो सकते हैं आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहां पे कवर अप हो सकते हैं फॉर टू वीक्स दो हफ्ते का समय हो गया सोचिए फंस जाना बहुत बढ़िया बेटा ट्रैप मतलब फंस जाना अच्छा ट्रैप का एक मतलब जाल भी होता है जानवरों को फंसाने वाला जो जाल होता है ना मतलब किसी को किसी मुसीबत में डाल देना इसको भी ट्रैप कहना आ, फंस जाना बहुत बढ़िया तो क्या बोला गया बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं जिनकी वजह से डिले हो रहा है रेस्क्यू करने का काम 41 वन लेबर्स का जो कि ट्रैप हो गए फंस गए इन साइड टनल में इन उत्तरकाशी ऑफ उत्तराखंड फॉर टू वीक्स नाउ दो हफ्ते हो गए उनको फंसे हुए ठीक है ना दो हफ्ते लगभग पंद्रह दिन का टाइम हो गया है। विद नो साइन ऑफ रेस्क्यू इन द नेक्स्ट वन और टू डेज अब एक या दो दिन में कोई ऐसा साइन ही नहीं मिल रहा है कि उनको बचाया जा सकता है मतलब ऐसा कुछ तरीका ही नहीं समझ में आ रहा है कि एक दो दिन तो अभी काम रुकेगा ऑगर मशीन के फंस जाने की वजह से अब देखिए एक और वर्ड यहाँ पर द किन ऑफ द ट्रैप्ड वर्कर्स आर गेटिंग रेस्टलेस दो, दो वर्ड्स एक किन और एक रेस्टलेस गेस करिए और बताइए क्या मतलब होता है हाँ बहुत बढ़िया सनी देओल की मूवी का नाम भी है जाल द ट्रैप बहुत बढ़िया बेटा वहां से ही याद रख पाइए इसको बहुत अच्छी बात है हाँ जी क्या मतलब होता है किन का और क्या मतलब होता है रेस्टलेस हो जाने का गेस करिए रेस्टलेस होना किन ऑफ द ट्रैप वर्कर्स आर गेटिंग रेस्टलेस ये एक फ्रेज आपको मिल सकता है एडियम्स एंड फ्रेजेस में पूछा जाता है एसएससी में ऑलरेडी आया हुआ है किन रेस्टलेस हाँ, होना यानी रेस्ट का मतलब आराम करना और रेस्टलेस मतलब जिसको आराम ना मिले तो रेस्टलेस का मतलब तो हम्म कोई आराम नहीं राहुल बहुत बढ़िया बेटा रेस्टलेस का मतलब अब इसको अपने अकॉर्डिंग अगर आप अच्छे वर्ड में लिखो ना तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बेचैन हो जाना ठीक है ना चैन मतलब सुकून आराम रेस्ट और रेस्टलेस यानी बेचैन होना ठीक है ना जिसको कोई आराम ना मिले परेशान हो जाए पर्सन रेस्ट नहीं मिल रहा है तो वो रेस्टलेस हो जाएगा किथ एंड किन या किन का मतलब क्या है गुड मॉर्निंग बेटा वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम वेलकम आप सभी का स्वागत है बताइए क्या मतलब होगा किथ एंड किन का बिना आराम किया हुआ हां रितु मैम बहुत बढ़िया कि किन का मतलब होता है नाते रिश्तेदार ठीक है ना तो किन का मतलब यहां पर रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं अब देखिए उनके परिजन जो हैं परिजन जिनको हम लोग बोलते हैं वो जो वर्कर्स फंसे हुए हैं ना उनके जो किन है मतलब जो परिचित हैं लोग परिचय वाले हैं रिश्तेदार हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि एक दो दिन अभी और काम नहीं हो पाएगा बहुत बढ़िया इवन एज चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जो पुष्कर सिंह धामी हैं उत्तराखंड के याद रखिएगा ये सब चीजें जी जी इसका पार्ट है प्रोमिस्ड द वर्कर्स उन्होंने वर्कर्स से प्रोमिस किया है दैट देर सेफ इवेक्यूशन देखिए बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है इवेक्ुएट कराना क्या मतलब होता है गेस करिए और बताइए इसका मतलब वॉज द गवर्नमेंट्स टॉप प्रायोरिटी ये गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है उनको वहां से इवैक्यूएट कराना प्रायोरिटी पता होगा प्रेफरेंस देना किसी चीज को फंस जाना ट्रैप हो गया ठीक है इवैक्यूएट राधे राधे जय श्री राम 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 वेलकम स्वागत आप सभी का स्वागत बताइए सेफ इवैक्यूएशन, इवैक्यूएट कराना किसी बिल्डिंग या मॉल वगैरह में अगर आग लग जाती है ना हम्म तो उसको इवैक्यूएट कर किया जाता है बाहर निकालना खाली करा लेना यस yes. इवैक्यूएट का मतलब होता है बाहर निकालना बहुत बढ़िया शानदार हाँ सही है बिल्कुल सही सलामत सेफ़ इवैक्यूएशन है मतलब सही सलामत उनको बाहर निकाल लिया जाएगा ये जो है पुष्कर सिंह धामी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के उन्होंने प्रॉमिस किया है वर्कर से कि उनको बाहर निकाला जाएगा सेफली निकाला जाएगा और उनका बाहर निकालने की जो प्रोसेस है ना वो गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है मतलब इस समय गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा चिंता उसी चीज़ की है सही सलामत बहुत बढ़िया बेटा तो ट्रैप का मतलब हुआ हमारा फंस जाना या जाल शिकंजा भी इसको हिंदी में आप बोल सकते हो ठीक <laughs> है ना रेस्क्यू बेटा वो कैबलरी एक ऐसी चीज है ना जिसपे जितना अच्छा आपका रिस्पांस आएगा ना उतना ज्यादा इंट्रेक्टिव हो जाएगा ये सेशन और उतनी ज्यादा चीजें आप सीख पाओगे ठीक है ना पहला इंट्रेक्शन है ऑफकोर्स अभी इसीलिए आपसे थोड़ा बात करने का मन ज्यादा कर रहा है बाकी डेफिनेटली पढ़ाई में कोई कटौती नहीं होगी उसकी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप रेस्क्यू रेस्क्यू मतलब होता है निकालना या बचाना किन का मतलब हो गया रिश्तेदार रिलेटिव्स और रेस्ट मतलब होता है बेचैन हो जाना या परेशान होना इवैक्यूएशन मतलब होता है खाली कराना या इसका मतलब भी होता है निकालना बाहर निकालना ठीक है ना रेस्क्यू इवैक्यूएशन ये होता है बचाव के लिए आता है रेस्क्यू इवैक्यूएशन खाली कराने के लिए किसी बिल्डिंग वगैरह को वहाँ से बाहर निकालने के लिए ये आता है अच्छा ये डेबरिस और गर्डस इसका मतलब क्या है ये ज़रा बताइए परिजन रिलेटिव देखिए यहां से द प्लान टू मैनुअल ड्रिल थ्रू द लास्ट टेन मीटर्स ऑफ डेबरिस ये डेबरिस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार आपको पैसेजेस में मिलेगा ये कई बार आपको ये वोकैबलरी के फॉर्म में कई बार क्वेश्चन की तरह कई बार डायरेक्ट ऑप्शन में ये वर्ड आपको मिलता है ठीक है ना क्लोज टेस्ट हो जाए फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए एंटोनिम हो जाए वनवर्स सब्सटीट्यूशन हो जाता है कई जगह ये वर्ड अलग अलग फॉर्म में आपको डेबरिस वर्ड मिलेगा तो रेस्क्यू टीम ने अब क्या प्लान किया है मैनुअल ड्रिल थ्रू द लास्ट टेन मीटर्स ऑफ डेबरिस टू रीच द ट्रैप्ड वर्कर्स आ डेंजरस प्रोसेस अब डेंजरस है ये प्रोसेस ये ध्यान रखिएगा क्यों डेंजरस प्रोसेस बोला जा रहा है उसके लिए देखिए विच इज लाइकली टू टेक अ लॉन्ग टाइम अब लंबा समय लगने वाला है इन चीजों में अकॉर्डिंग टू द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसकी बात हुई थी एन वो देखिए आगे यहां पर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे बेटा इंग्लिश एकदम बेसिक से शुरू करके और जितना हाईएस्ट लेवल तक आप चीज़ों को डिस्कस कर पाओ मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है लिमिट कोई नहीं है आप जितना सीख पाओ मेरे से जितना फ़ायदा इस सेशन का मेरी नॉलेज का मेरे एक्सपीरियंस का जितना फ़ायदा आप उठा पाओ आपके लिए उतना ज़्यादा यूजफुल हो सकता हूं मैं ठीक है ना बिल्कुल करने के लिए तैयार हूं आपके साथ मेहनत आप जितना कर पाओ मलबा बहुत बढ़िया ये बिल्कुल सही आंसर है मलबा होता है इसका मतलब मलबा अब मलबा का मतलब केवल ये सुरंग से रिलेटेड ही नहीं है जैसे मान लीजिए एक न्यूज आई थी कि कोई एयरक्राफ्ट है जिसको जो क्रैश हो गया उसका मलबा बहुत दूर तक फैला हुआ है पांच किलोमीटर के एरिया में उसका मलबा फैला हुआ है तो उस मलबे के लिए भी वर्ड आता है डेबरिस टूटी फूटी चीजें जो होती हैं ब्रेकेजेस होते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है डेबरिस तो ये डेबरिस वर्ड जरूर याद रखिएगा ठीक है ना मलबा होता है इसका मतलब हाँ बिल्कुल सही है डेबरिस हो गया मलबा अच्छा ये क्या होता है गर्डर्स अब ये देखिए Vertical drilling risky. अब अब जो जो थी वो वो तो 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 गई है. है है है. बात हो रही है, vertical drilling के ऊपर. तो थोड़ा सा risky है. Efforts to drill vertically through 86 माउंटेन मतलब वर्टिकली अब सुरंग इधर से अगर नहीं जा पा रहे हैं सुरंग के अंदर तो अब वर्टिकली यानी सुरंग के ऊपर मशीन ले जाकर ऊपर से ड्रिलिंग करना शुरू किया जाएगा और उसके लिए 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी पड़ेगी ऑफ माउंटेन हैव आल्सो बीन स्टॉल ठीक है ना स्टॉल स्टॉल का मतलब देखो माउंटेन के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने माउंटेन के ऊपर मशीनें ले जाना शुरू कर दिया है एज द्रोच रोड टू द ड्रिलिंग साइट जहाँ से ड्रिलिंग करनी है वहां तक पहुँचने की जो रोड है देखिए केवल रोड नहीं लिखा उन्होंने अप्रोच यहाँ पे वर्ड यूज किया है मतलब वहाँ तक पहुंचने वाली जो रोड है सिर्फ रोड नहीं उस जगह तक ले जाने वाली रोड ड्रिलिंग साइट तक इज टू नैरो फॉर द मूवमेंट मतलब बहुत पतली सी जगह है वो ठीक है ना रिलेट कर पाओगे बेटा रिलेट कर पाओगे चीजें डेफिनेटली ज्यादा सीख पाओगे हाँ तो ड्रिलिंग साइट तक ले जाने वाली जो रोड है वो टू नैरो नैरो का मतलब बहुत तंग है पतली है ऐसी जगह जिसमें ज्यादा जगह मूवमेंट की ना हो फॉर द मूवमेंट ऑफ द जिजेंटिक वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन वर्टिकल ड्रिलिंग करने वाली जो मशीन है वो जिजेंटिक है अब ये एक वर्ड आपको डेफिनेटली बताना है इसका मतलब क्या होता है जिजेंटिक और ये वर्ड भी इडियम्स एंड फ्रेजेस के फॉर्म में जब सेंटेंसेस पूछे जाते हैं ना उसमें कई बार यूज हुआ है वन की तरह से आप इसको ले सकते हो बिग साइज को रिप्रेजेंट करता है ये अब जिजेंटिक जो है ना वो जायंट से रिलेटेड है जायंट से हम्म तो जिजेंटिक का मतलब होता है बिग ह्यूज बहुत मैसेव बड़ी विशाल काय जिसको आप बोलते हो ना उसे बोला जाता है जिजेंटिक तो क्या बोला गया कि जो वहाँ तक ले जाने वाली रोड है वो बहुत पतली है जिसकी वजह से बहुत बड़ी जो वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन है उसको मूवमेंट में दिक्कतें आ रही हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ वर्किंग टू widen द रोड वाइड करना अगर आप मैच खेलते हो तो वाइड बॉल आपको पता होगी जो बहुत दूर से निकल जाती है मतलब बाहर की तरफ तो वाइडन मतलब उसको चौड़ा करने के ऊपर विचार किया जा रहा है जो बॉर्डर देखिए रोड ऑर्गेनाइजेशन है इज नाउ वर्किंग टू वाइडन द रोड अब वो रोड को बड़ा करने के ऊपर विचार कर रहे हैं ठीक है ना सब समझ में आएगा बहुत आसान है बेटा कोई इश्यूज नहीं आएंगे ठीक है ना जो भी कंफ्यूजन हो बस वो क्लियर करते चलना तो जिजेंटिक वर्ड जरूर याद रखिएगा बिग ह्यूज या मैसिव के लिए आता है ठीक है ना हाँ स्टॉल स्टॉल मतलब रास्ता बनाने बनाया जा रहा है उसके लिए स्टॉल स्टॉल मतलब होता है किसी जगह तक तो पहुंचना स्टॉल मतलब वहां पर देखो अब यहां पे क्या बोला गया एफर्ट्स एटी सिक्स मीटर है जिसके ऊपर आपने देखा ना रखे चीजें बेची जाती हैं तो स्टॉल मतलब वही जो जगह होती है वहां पर चीजें जब स्थापित करने के लिए ले जा रहे होते हैं तो उस जगह को पहुंचने की बात कर रहे हैं स्टॉल की और जिजेंटिक का मतलब हो गया हमारा मैसेव यूज विशाल काय ये मीनिंग निकलता है इस वर्ड का चलिए हाउएवर ये एक कंजंक्शन बहुत बार आपको मिलेगा ना केवल पैसेजेस में बल्कि रीअरेंजमेंट पोर्शन में रीअरेंजमेंट में हाउएवर आपको बहुत हेल्प करेगा सेंटेंसेस को रिलेट करने में भी तो हाउएवर के कई सारे मीनिंग होते हैं पहला मतलब होता है ये फिर भी ठीक है ना दूसरा मतलब इसका लेकिन भी होता है बट की तरह से यूज होता है ये वर्ड हाउएवर फिर भी officials have also warned that vertical drilling is risky as it can cause vibrations in the already fragile mountain they are milling ways to do it consciously अब देखो cautiously यहां पर यूज किया गया है जिसका मतलब होगा बहुत सावधानी से या बहुत ध्यान से अब ये वर्ड हम लोगों ने देखो स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था और फिर एक बार रिपीट हो रहा है बताइए क्या मतलब लग रहा है इस पर्टिकुलर म्यूलिंग फिर वर्ड आया है इसका और फ्रिजाइल का अब बोला क्या जा रहा है कि जो ऑफिशियल्स ने क्या वार्न किया कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो रिस्की है क्यों रिस्की है क्योंकि इसकी वजह से वर्टिकल ड्रिलिंग की वजह से वाइब्रेशन जिसको हम लोग कंपन कहते हैं है ना कंपन होगा और वो पहले से ही फ्रिजाइल माउंटेन को ध्वस्त कर सकता है तोड़ सकता है वट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेजाइल फ्रेजाइल की तरह से एक वर्ड डेलिकेट भी यूज होता है बताइए क्या मतलब होगा गेस करिए सेंसिटिव थोड़ा सा वर्ड सेंस से रिलेट करता है फ्रेजाइल थैंक यू थैंक यू वेरी मच बेटा आई रियली अप्रिशिएट आप बताते रहिए चीजें बहुत अच्छा रहेगा अब देखो डेलीकेट इसका एक मतलब ना ये भी आता है बहुत ज्यादा नाजुक मतलब आसानी से जो टूट सके वही होता है फ्रजाइल भी कई आपने बॉक्स देखे होंगे जिनके ऊपर ये वार्निंग लिखी रहती है हैंडल केयरफुली फ्रजाइल फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी कमजोर चीजें नाजुक चीजें जो आसानी से टूट सकती हैं तो फ्रिजाइल वर्ड याद रखिएगा कि जो माउंटेन है ना वो ऑलरेडी फ्रिजाइल ही है हाँ फ्रिजाइल मतलब आसानी से टूट सकता है वो तो वाइब्रेशन की वजह से माउंटेन जो है वो टूट सकता है इसकी वजह से वर्चुअल जो वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो रिस्की है ठीक है ना आर मिलिंग मिलिंग का फिर से मतलब अभी आप देखो रिविजन जितना ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब होता है विचार करना तो किस चीज के ऊपर विचार कर रहे हैं ये विचार कर रहे हैं मिलिंग करना टू डू इट कॉशियसली बहुत सावधानी से करना पड़ेगा अब उनको ड्रिलिंग इसके ऊपर विचार कर रहे हैं ठीक है ना तो फिजाइल का मतलब हो गया नाजुक कमजोर आसानी से टूट जाने वाला चलिए एनडीए मेंबर अब देखिए ये एक वर्ड जो है ना लेफ्टिनेंट इसको हम हिंदी में लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं ये वर्ड आपके स्पेलिंग में बहुत बार पूछा गया है तो आप देख लो जो भी सेगमेंट्स से आपसे पूछे जाते हैं ना एसएससी में चाहे स्पेलिंग का हो फिल ब्लैंक का पोर्शन हो एंटोनिम सेनोनिम का पोर्शन हो वो सब ज़्यादातर न्यूज़पेपर से ही पिक किए जाते हैं ठीक है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बस रेगुलर वे में थोड़ा तो सा प्रैक्टिस के मोड में आइए सब चीज़ें आसान हो जाएंगी तो देखिए लेफ्ट ये स्पेलिंग के लिए ध्यान रखिएगा एल आई ई -E, लाई यू टी ई -E एन ए एन टी ठीक है ना रिलेट कर पाना देखो ब्रेक करके सीखोगे तो ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे लाई इसमें तीन वर्ड तो आपको समझ में आ रहे होंगे लाई मतलब झूठ बोलना टेन दस हो गया और ए एन टी एंड बस बीच में एक यू और आपको लगाना है ठीक है ना तो ब्रेक करके अपने अकॉर्डिंग रिलेट करके सीख लो आसान हो जाएगा अच्छा एनडीएमए के मेम्बर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन टोल्ड जर्नलिस्ट उन्होंने जर्नलिस्ट को क्या बताया है वो देख लीजिए दैट देयर हैज बीन सम समज इन दशीन ऑगर मशीन ऑगर मशीन में कुछ ब्रेकेज आ गया है ब्रेकेज मतलब हो गया यहाँ पर खराबी किसी वजह से टूट फूट हो गई है उसमें कोई खराबी आ गई है ऑगर मशीन में। एडवांस्ड मशीनरी इज रिक्वायर्ड टू कट एंड रिमूव द ब्रोकन पार्ट ऑफ ऑगर स्टक इनसाइड द टनल मतलब अभी तक तो ऑगर मशीन उसमें से डेबरिस निकाल रही थी अब ऑगर मशीन फंस गई है तो उसको भी निकालने के लिए कट करके निकाला जाएगा उसको ऑगर मशीन को उसके लिए एडवांस्ड मशीनरी की जरूरत है ठीक है ना एंड असिस्टेंस का मतलब क्या है वो रिप्लाई करके बताइए एंड असिस्टेंस ऑफ द इंडियन एयर फोर्स इज बीइंग सॉट अब ये जो सॉट है ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है सॉट वर्ड एक्चुअली सीक वर्ब की फॉर्म है सीख का मतलब होता है ढूंढना हाइड एंड सीख छुपन छुपाई जो आप खेलते हैं ना हाइड एंड सीख सीख की थर्ड फॉर्म सॉट फिर बी के साथ वॉइस में ठीक है ना तो इंडियन एयर फोर्स की देखिए असिस्टेंस का मतलब अगर समझ में आया हो असिस्टेंस का मतलब क्या है फटाफट बताइए हाँ असिस्टेंस असिस्ट करना मदद देना बहुत बढ़िया असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता ठीक है ना तो यहां पर बात हो रही है सहायता ली जा रही है किसकी सहायता ली जा रही है तो इंडियन एयर फोर्स की सहायता ली जा रही है मांगी जा रही है टू एयरलिफ्ट दिस मशीनरी इस मशीनरी को एयरलिफ्ट करने के लिए उठाने के लिए हवाई जहाज से उसको उठाया जाएगा एड हेल्प सपोर्ट बहुत बढ़िया बेटा

पुश फॉरवर्ड देखिए आगे की तरफ जो नाइन नाइन हंड्रेड एम का रेस्क्यू पाइप बचा हुआ है करने के लिए ड्रिलिंग उसके लिए एंड नॉट फॉर द एक्चुअल एक्चुअल ड्रिलिंग ठीक है ना ड्रिलिंग उससे नहीं विच मीन्स दैट द प्रोसेस विल बी स्लोअर देन अर्लियर इसका मतलब ये है हाँ साथ बिल्कुल सही प्रोसेस जो है जितनी तेजी से पहले चल रहा था उतनी तेजी से अब नहीं चल पाएगा बट होगा लगातार प्रोसेस चलता रहेगा ये मिस्टर हसनैन सेट उन्होंने ये बात कही वर्कर्स एट द रेस्क्यू साइट वार्न क्या वार्न किया उन्होंने दैट मैनुअल ड्रिलिंग इज अ हरक्यूलियन टास्क देखिए बहुत अच्छा फ्रेज यूज हो गया यहाँ पर ईडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन यहाँ स्पेलिंग का क्वेश्चन यहाँ ईडियम फ्रेज का क्या मतलब होता है हरक्यूलियन टास्क का What is the meaning of a Herculean task? <clears throat> hmm. Workers at the rescue site warn that manual drilling is a Herculean task as the drilling will have to be done from. <coughs> करिए, बताइए। हरक्यूलियन टास्क अब जो रिलिंग की जाएगी विद इन द क्रैम्ड नाइन हंड्रेड एम एम पाइप नाइन हंड्रेड एम एम डिफिकल्ट वर्क बहुत बढ़िया हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है लोहे के चने चबाना ठीक है ना बहुत मुश्किल काम हरक्यूलियन टास्क मतलब अ वेरी डिफिकल्ट वर्क ठीक है ना नाइन हंड्रेड एम पाइप के अंदर जो अब काम होगा वो थोड़ा सा क्रैम्ड हो गया है एक्चुअली वो भी उसमें भी जगह कम हो गई है विद वेरी लिटिल ऑक्सीजन और स्पेस क्योंकि अब उसके अंदर ज्यादा जगह नहीं बची है एंड टू मच और बहुत ज्यादा उसके अंदर डस्ट एंड डेबरेज यानी मलबा भरा हुआ है Challenge, अच्छा का मतलब वाला का, बोल सकते हैं लेकिन इसका जो आएगा आंसर, मतलब ठीक है ना इसी को भी कहा जाता है तो याद रखें लेफ्टिनेंट ये वर्ड आपके स्पेलिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रेकेज मतलब वही खराबी टूट फूट मलबा इसके लिए भी आ सकता है असिस्टेंस का मतलब सहायता <coughs> इसका मतलब खराबी रुकावट रोड़ा शॉर्ट सीख ढूंढना मांगना एयरलिफ्ट मतलब होता है उठाना हवाई जहाज की मदद से कोई चीज उठाना हरक्यूलियन टास्क मतलब अ डिफिकल्ट टास्क या इसका एक मतलब आप एक सनोनिम और रॉकेट साइंस भी बोल सकते हैं और डेब्रेस का मतलब ऑफ कोर्स हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया था मलबा ठीक है ना तो ये आज का सेगमेंट जो है डेफिनेटली यही था हमारा इसको हम लोगों ने जो डिस्कस किया आई होप जो इसमें वो आई होंगी वो सब आपको याद रहेंगी क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ हुए हैं कई सारे वर्ड देखो मिले आज कई आपने पहले से पढ़े होंगे वो रिवाइज़ हुए होंगे फ्रिजाइल है डेबरिस है टिक एक वर्ड मिला था एमयूबल एल ये वर्ड मिला ये बहुत अच्छा वर्ड है याद रखना इसका मतलब कंसिडर ठीक है ना और रेगुलरली अब हम लोग इस टाइम पर मिलते रहेंगे एक दूसरे से तो प्लीज कनेक्टेड रहिएगा साथ साथ में ही ठीक है ना करेंगे कंटिन्यू इसी तरह के सेगमेंट्स को आगे भी और मॉर्निंग शो द हिंदू वो कैप शो ठीक है ना द हिंदू पोर्शन से इस न्यूज़पेपर में जो भी अच्छी वो कैब आपके लिए मिलेंगी वो सब के सब हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है ना सात बजे से अच्छा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी की हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आठ बजे यानी इस क्लास के ठीक बाद भी हमसे जुड़े रहेंगे प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम्स अभी होने वाले हैं डायरेक्टली उनको टारगेट करके जैसे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एस एस के ऊपर ठीक है ना बट रेगुलरली अगर आप जुड़ते रहेंगे तो डेफिनेटली फायदा आपको मिलेगा इसके अलावा बेसिक टू एडवांस प्री और मेंस की मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस इंग्लिश हिंदी सभी के लिए एक बैच जो अगर आपको चाहिए है तो हमारे लिए बैच स्टार्ट हुआ है एस का रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच ठीक है ना ज्वाइन कर सकते हैं इस पर कॉल के लिए देखिए आपको नंबर दिया हुआ है जो भी क्वेरीज हो क्वेरीज़ पे आप बात कर सकते हैं ये हमारे एप्लीकेशन का नाम है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऐप जाइए इस पर आराम से ज्वाइन करिए जुड़िए हमारे साथ सारे के सारे सब्जेक्ट्स में कवर अप होंगे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सस्सी का कोई भी एग्जाम आपको इनमें से देना हो सब के सब एग्ज़ाम्स अप हो जाएंगे ठीक है ना ये हमारी टीम हरीश सर को पहचानते हैं मेरे साथ आप जुड़ेंगे सुबह आकाश सर मैथ्स वाले साहिल सर को तो सभी जानते हैं ऑफ़ कोर्स ये इनके अलावा हुंकार बैस सर के जो चल रहे हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स एप्लीकेशंस हर जगह यूट्यूब पर किसी भी तरह का कोई भी असिस्टेंस चाहिए एप्लीकेशन के थ्रू हर जगह चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं ठीक है ना ये आपके लिए नंबर चलिए मिलेंगे कल भी इसी टाइम पे और ऑफ कोर्स इसके बाद भी अभी हमारा सेगमेंट ये चलेगा प्रीवियस ईयर पेपर पे बात करेंगे हम लोग जो भी डाउट से कंफ्यूजन हो देखते हैं लेवल क्या आता है कौन कौन सी पढ़ी हुई चीज़ें हो सकता है देखिए अच्छी बात यह है कि वोकेबलरी हम लोग अभी सात बजे से पढ़ रहे हैं इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर जब पढ़ेंगे ना उसमें भी जो वोकेबलरी आएंगी हो सकता है कि जो सुबह आप पढ़ो वही आपको अगले बैच में या अगले वाले टाइमिंग में वोकेबलरी यूज होते हुए भी मिल जाए ठीक है ना चलिए कंटिन्यू करेंगे इसी सेगमेंट को तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट कीप स्टडिंग पढ़ते रहिएगा जुड़े रहिएगा हमारे साथ सीखते रहिएगा ठीक है ना ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के फ्यूचर एग्जाम्स के लिए थैंक यू वेरी मच